हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो कल के ब्लॉग में तो आपने देखा कि हम रायपुर से लखनऊ आए हुए हैं फ्लाइट से, तो हमारी फ़्लाइट सिर्फ लखनऊ तक ही थी। और अब हम कहाँ आ गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हम आ गए हैं लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर नेमिषारण्य। और जिनको भी नेमिषारण्य के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेमिषारण्य एक तीर्थ स्थल है। हम शाम को करीब 7 से 8 बजे हम नेमिषारण्य पहुँचे और बहुत अच्छा हुआ कि हमें एक पर्सनल रूम मिल गया, वो भी अटैच वॉशरूम के साथ। हम रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए हम खाना खा के सो गए। मॉर्निंग में हम जब तैयार हुए सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए तो हमें पता चला कि हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नदी है, गोमती नदी। तो हमने डिसाइड किया कि हम गोमती नदी से ही दर्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हम नदी के पास आ चुके हैं और नदी के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मॉर्निंग में यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो गोमती नदी में ही स्नान करके जाते हैं। नदी के आसपास कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के कारण मेरी मम्मी के पैर में थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो गया था। एंड यहाँ पे मिल रहा था बैग जो कि सिर्फ 100 और 200 में मिल रहा था। यहाँ पर गाय को खिलाने के लिए चारा और लड्डू भी मिल रहा था। हम नहा के आ चुके थे इसीलिए हमने सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ी देर आराम से नदी के पास बैठे। नदी के पास आकर मम्मी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेमिषारण्य में बहुत सारे मंदिर हैं इसीलिए हमें वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाना था। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो। मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। अगर आप लोगों को नेमिषारण्य की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।